हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएलपी राकेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं ऐसे ही एक वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी एलआर पे आ गया हूं, जिस रूट की मेरी एलआर ड्यू हो चुकी है वो मुझे एलआर करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेरी बिजी शेड्यूल हो गई है, तो एक वीडियो ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिल सके कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा, और अभी मैं एलआर करूँगा जिस रूट की मेरी एलआर ड्यू हो चुकी है। तो मुझे एलआर कंप्लीट करने में 3 or 4 days लग ही जाएंगे शायद, हो सकता है। और कल मैं रात में गया था, वही 19 बजे की मेरी कॉल थी और मैं निकल गया था आपके पहले ही, और साइन ऑन करके फिर मैं IOCL प्लांट गया था वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ पे वर्किंग करके आया। फिर मुझे एलआर दिया गया है, मुझे एलआर करना पड़ेगा, और जिस रूट में मुझे एलआर करना है उस रूट में मैं जाऊँगा कल से। तो आप लोग से ही बताना था, और आप लोग जो भी एलपी एस्पिरेंट है वो अपना प्रिपरेशन करते रहिए, सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जल्दी। और आप लोग मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा कमांड कर लोगे तो आप इजली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। और रीजनिंग भी एक कमांडेबल सब्जेक्ट है, जो अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस करिए इन दो सब्जेक्ट को, अभी फोकस करिए। और अभी वैकेंसी आएगी तो फिर मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को, जो भी सोर्स मिलता है वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि वैकेंसी आने वाली है। कुछ भी ऐसा मिलेगा मुझे सोर्स तो ज़रूर बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है रोज़ ये सब के रिलेटेड। तो ऐसे ही अपना हार्डवर्क करते रहिए ताकि वैकेंसी जब भी आए आप लोग अपना 100% दे पाए एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, जनरल साइंस के लिए आप लोग लूसेंट पब्लिकेशन का बुक फॉलो करिए, और अपना बेसिक के लिए NCERT बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएंगे आपके सारे बेसिक। और बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि हम लोगों की जब एग्ज़ाम हुई थी तो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, और बायोलॉजी का बहुत डीप बहुत ही अंदर से पूछा गया था। तो आप लोग अपना बेसिक पूरा अच्छा से पढ़िए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए टॉपिक वाइज पढ़िए, जैसे कि रेस्पिरेशन से आप एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिलेट करिए कि उस टॉपिक से क्या ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ऐसे करके एक नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और फिर जनरल नॉलेज के लिए आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे बुक है अवेलेबल मार्केट में। सबसे पहले तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, और फिर आपका SPD का भी बुक आता है, ये सब सारे फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, हर ईयर के जो आते हैं क्वेश्चन बैंक। जनरल नॉलेज में उतने तो सारे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे मेरे एग्ज़ाम में, हम लोगों की जब हुई थी एग्ज़ाम, और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो भी है। तो जनरल नॉलेज में वही आपके पूछे गए थे बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था, आप लोग पढ़ोगे तो इजली सॉल्व कर लोगे। और बस यही सब डिस्कस करना चाहता था। तो आप लोग स्टडी करते रहिए और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, और मैं आप लोगों के साथ जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, उसको पहले अच्छे से डिस्कस करूंगा, फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारा डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन से बुक फॉलो करना है, और बता दूंगा कि कौन कौन से चैनल को मैं फॉलो किया था। यूट्यूब में ऑनलाइन स्टडी भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो ऐसे ही हेल्प करूँगा जो भी मैं कर सकता हूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। और बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं भी आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूं जल्दी से जल्दी। और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. थैंक यू.